लास्ट टाइम जब इंडिया ने नेदरलैंड्स को वर्ल्ड कप में हराया था तो इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, और इस बारी भी इंडिया ने नेदरलैंड्स को वर्ल्ड कप में हरा दिया है। कनेक्शन समझ रहे हो? तो भाई लोग, वर्ल्ड कप में दूसरी लगातार जीत हो चुकी है इंडिया की, और टॉप ऑफ द टेबल बैठी है टीम अपने ग्रुप में पाकिस्तान और नेदरलैंड्स को हरा के। यही नजारे लास्ट ईयर कुछ उल्टे थे जब हम लोग पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से मैच हार गए थे पहले दो, और हम लोग थोड़ा नीचे बैठे थे टेबल पे और बाहर होने वाले थे। लेकिन भाई इस साल कुछ अलग ही फीलिंग आ गई है। अब कोहली भाई का भी फॉर्म वापस आ गया तो वर्ल्ड कप भी आ ही जाएगा। देखो, इस मैच का रिजल्ट तो तभी डिसाइड हो गया था जब नेदरलैंड सुपर 12 में आई थी और हमारे ग्रुप में आई थी, और अंत में हुआ भी वही। इंडिया ने बड़े आराम से 56 रन से नेदरलैंड्स को हरा दिया और मैच जीत लिया। आज तो भैया बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी सब में सबकी तगड़ी परफॉर्मेंस थी। आज तो भैया बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी सब में सबकी तगड़ी परफॉर्मेंस थी। भाई रुक जाओ एक मिनट, अभी मैंने इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स का शूट खत्म किया था, वीडियो एडिट होने के लिए जा रही थी कि जिम्बाब्वे पाकिस्तान को हरा चुकी है वर्ल्ड कप में। नाउ स्पोर्ट्स भाई ये क्या देख लिया, ये क्या हो गया वर्ल्ड कप में भाई, ये क्रेजी वर्ल्ड कप जा रहा है। मतलब इस मैच का इतना मजाक बना रहे थे, एपिक राइवलरी होने वाली है, एल क्लासिको होने वाला है भाई, जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान क्रेजी मैच, और सच में बहुत क्रेजी मैच हुआ। लास्ट ओवर तक गया, लास्ट बॉल तक गया, और जिम्बाब्वे What a win यार। भाई honestly बोलूं तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लेवल का मैच था यार, और पाकिस्तान के बारे में तो क्या ही बोले भाई। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ, अगर आज पहले मिल गए तो हम लोग गांव वापस चले जाएंगे, और अगर पहले नहीं मिले तो मेरी लाश उठाकर गांव ले जाना। राम राम सत्य है। ओए रुको यार, मरने तो दो। भाई 130 रन का टारगेट था और तब भी लास्ट ओवर तक मैच लेके चला गया जिम्बाब्वे। मतलब हमारी इंडिया ने यहाँ से मैच निकाल लिया था और ये टीम यहाँ से मैच नहीं जीत पाई। ऑनेस्टली बोलो तो इस मैच ने इतना कंटेंट दे दिया कि एक वीडियो कम पड़ जाएगी भाई, इसलिए थोड़ा सा मीम रिव्यू इसका अगले वीडियो में भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में थोड़ी बात कर लेते हैं। और इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स वाली वीडियो भी मैं शूट कर चुका था, तो भाई वो भी देख लेना, आगे उसके बारे में बात कर रखी है। लेकिन इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो और बढ़िया बढ़िया मीम्स भेजो भाई, ताकि उसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बन पाए। जो भी मुझे डीएम करता है, टैग करता है, मैं देख ही लेता हूं उनके मीम्स, मुझे टैग करना मत भूलना भाई, बढ़िया मीम्स निकालेंगे और बढ़िया एक और बनाते हैं। देखो रोहित भाई ने भी कल अपना काम अच्छे तरीके से करा, जाते ही पहले टॉस जीता और वीक टीम के अगेंस्ट बैटिंग ले ली। यार जब अपने पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और सामने वाली बॉलिंग थोड़ी वीक हो तो भैया रन मारने में तो ज्यादा मजा आता है, और अपने बैट्समैन ने काफी शिद्दत से रन भी मारे, और चाहे नेदरलैंड्स के अगेंस्ट ही मारे हो लेकिन अपने रोहित भाई ने रन तो मारे, इंटेंट तो थी। हाँ वो अलग बात है, दो बारी ड्रॉप हो गए और एक बारी रिव्यू लेके बच गए क्योंकि ग्लव लग गया था, लेकिन कल अपने रोहित भाई जो किस्मत लेके आए थे ना, वो मेरी होती तो आज मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे होता। भाई बंदा 50 से पहले कितना भी ट्राई कर लो आउट ही नहीं हो रहा था। अब होगी क्रांति, जय महाकाल, जय महाकाल। और हाँ तुम भी इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो यार, बर्थडे गिफ्ट मांगा था तुम लोगों से कि 250 के करा देना बर्थडे से पहले, दिवाली तक करा देना, बट तुम लोगों ने वो तो किया नहीं। अब तो करा दो, अब तो बढ़ा दो सब्सक्राइबर्स। अब जहाँ एक ओपनर ने तो रन मार के दिखा दिया, वहीं दूसरे ने बोला कि वीक टीम के अगेंस्ट कौन इतनी मेहनत करे। क्यों केएल भाई, सही कह रहा हूँ ना, क्या करनी मेहनत रन बना के। भाई कौन थे वो लोग जो कह रहे थे कि केएल राहुल नेदरलैंड्स के अगेंस्ट बहुत तगड़ा खेलने वाला है, फास्टेस्ट 50 आने वाली है, वर्ल्ड कप सेंचुरी लोडिंग। अरे अपने केएल भाई कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, चाहे पाकिस्तान जैसी स्ट्रॉन्ग टीम हो या नेदरलैंड जैसी वीक टीम, केएल राहुल्स फॉर्म इज परमानेंट खराब। और यार जब लोग मीम बना रहे थे ना कि केएल राहुल का 70 रन मारने वाला है, कल 50 रन पड़ने वाले हैं, 20 बॉलों में हाफ सेंचुरी आ जाएगी, 15 बॉलों में हाफ सेंचुरी आ जाएगी, मेरे को तो तभी लग गया था कि केएल राहुल से नहीं होने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट मैच जो बना दिया तुमने उनके लिए, और इंपॉर्टेंट मैच में तो हमें पता है केएल भाई स्कोर करते ही नहीं है। लेकिन यार तुम लोग ये नहीं समझ पा रहे हो कि राहुल भाई ने अपनी विकेट जान पूछ के दी यार, ताकि कोहली भाई को हम बैट करते हुए देख पाए। राहुल भाई भी ट्रू कोहली फैन निकले यार हमारी तरह। और देखो अपने केएल भाई का स्वैग अलग ही है, नॉट आउट थे फिर भी रिव्यू नहीं लिया। अब देखो रिव्यू वेस्ट कर दिया केएल भाई ने और वो विकेट भी चली गई, अब उस चीज को एडिट तो किया जा नहीं सकता। लेकिन तुम लोग वंडरशेयर फिल्मोरा 11 से अपनी वीडियोस को आसानी से एडिट कर सकते हो। तुम लोग मुझसे पूछते हो ना इतनी बढ़िया वीडियोस कैसे एडिट करता हूं? इसी का कमाल है भाई, ये एक बहुत ही पावरफुल और इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारी नूब जैसी एडिटिंग को भी मेरी तरह प्रो बना देगा। इसमें इतने इजी टू यूज फीचर्स और प्रीसेट्स है कि घंटों का काम मिनटों में ही हो जाता है। जैसे इसका एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है इंस्टेंट मोड, जो कि मेरे जैसे आलसियों के लिए है, जिसमें तुम्हें सिर्फ अपनी क्लिप्स को सिलेक्ट करना है और ये अपने आप तुम्हारे लिए एक बढ़िया वीडियो बना देगा। और अगर तुम मेरी तरह इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना चाहते हो तो इसमें एक ऑटो बीट सिंक फीचर है, जिसमें तुम म्यूजिक को सिलेक्ट करोगे और अपनी क्लिप्स या फोटोज को सिलेक्ट करोगे और ये अपने आप ऑटोमेटिकली तुम्हारी वीडियोस को म्यूजिक से सिंक कर देगा एंड एक बढ़िया सा कूल सा मोंटाज बना देगा। और
देखो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वीडियोस में साउंड, जहाँ पे नॉइज तुम्हारी वीडियोस को कभी कभी खराब भी कर सकती है। एंड अगर तुम लोग भी इस चीज से परेशान हो तो ये उसको भी सही कर देगा सिर्फ एक क्लिक से। यानी तुम लोग इसका डी नॉइज फीचर यूज करके विंड की नॉइज को एकदम से हटा सकते हो। तो भैया अपना टाइम बचाने के लिए और अपनी वीडियोस को आसानी से नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए डाउनलोड करो वंडरशेयर फिल्मोरा 11, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेट मत करो यार, डाउनलोड करो, मस्त मस्त वीडियोस बनाओ और एडिटिंग शुरू करो। लेकिन अपने ओपनर जैसा मर्जी भी खेले, विराट और स्काई मिडिल ऑर्डर में है संभालने के लिए। भाई सही में इन दोनों की पार्टनरशिप धवन और रोहित से भी ज्यादा फेमस होने लग गई आजकल। और शुरू में चाहे दोनों में से सिर्फ एक बंदा मारता हो, लेकिन एंड में जाके दोनों उतनी ही धुलाई करनी शुरू कर देते हैं। भाई ये वही विराट कोहली है जिसको आज से 3-4 महीने पहले तक लोग कह रहे थे कि भैया वर्ल्ड कप ना लेके जाओ, कोहली में वो बात नहीं रही, सेंचुरीज भी नहीं बनती, कोहली को बिठाओ, हुड्डा को खिलाओ। भाई 2 वर्ल्ड कप मैचेस में 250 प्लस स्कोर आ गए हैं और बंदा अभी तक किसी भी मैच में स्ट्रगल करते हुए नहीं दिखा मुझे। ऊपर से कल तो जो कवर्स के ऊपर से 6 निकाला था भाई, शॉट ऑफ द डे मार दी और मतलब विंटेज कोहली की याद दिला दी। भाई 2016 वाला कोहली जब खेलता था तो लगता था हैकिंग कर रहा है। भाई एक बार अपने कपिल पाजी को ही देख लो, पहले बोला था विराट कोहली को बिठा देना चाहिए और अब देखो क्या हो रहा है। मैं सर ये देखना चाहती हूँ कि विराट कोहली के कितने लोग कह रहे थे कि इनको T20 टीम में नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्लम एरिया है इंडियन टीम के, क्या आज भी वो ये सवाल पूछेंगे? ऊपर से बंदा सिर्फ 2 मैच में ही 3rd पोजीशन पे आ गया है इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन स्कोरर्स में और साथ ही साथ 2nd पोजीशन में ऑल टाइम वर्ल्ड कप के टॉप रन स्कोरर्स में। लेकिन बंदा जितने मर्जी रन मार ले, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट गंभीर भाई कोहली भाई की डायरेक्टली तारीफ नहीं करने वाले पोस्ट मैच रिव्यू में। उस स्टूडियो में बैठ के तो कोई भी भारी रह सकता है, जितनी विराट कोहली के शतक है उतने तो आपके मैच में भारी है कि आपने फट गई है उसकी। ये दिन भी कभी तो आएगा कि गंभीर भाई अपने चीकू के बारे में ऐसा बोलेंगे। सबसे बड़ी दुविधा तो उस बंदे के लिए होगी जिस बंदे को कल मैन ऑफ द मैच डिसाइड करना था। भाई विराट कोहली ने भी इतनी बढ़िया इनिंग्स खेली, रोहित शर्मा ने भी 50 प्लस मारा और सूर्या भाई तो मार ही देते हैं। लेकिन इसी तरह एंड में सूर्या भाई भी बाजी मार गए और अब नंबर 1 T20 रैंकिंग ज्यादा दूर नहीं है, पहुंचने वाला बंदा और पहुंचे क्यों ना, डिजर्व करता बंदा। और नंबर 1 से याद है भूवी भाई ने कल क्या बॉलिंग करी यार, पावर प्ले में 2 ओवर मेडन डाल दिए और एक विकेट भी निकाल ली। भाई सामने चाहे वीक टीम हो चाहे स्ट्रॉन्ग टीम, T20 में मेडन ओवर डालना एक ही इतना मुश्किल हो जाता है, बंदे ने 2-2 निकाल दिए। मतलब नेदरलैंड्स की बैटिंग में शुरू से प्रेशर दिख ही रहा था सेकंड इनिंग्स में और पता लग ही रहा था कि जीतना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। पर अपनी बॉलिंग का एक बंदा बिना विकेट्स लिए बिना मैच खेले ही फुल मजे में बैठा था। यार चहल भाई को पिछली बार वर्ल्ड कप लेके ही नहीं गए थे, इस बार लेके गए तो खिला ही नहीं रहे, क्या गजब बेइज्जती है यार। चहल भाई भी सोच रहे होंगे कि अच्छा खासा रीले बना रहा था, कहां उठा के ले आए मेरे को ऑस्ट्रेलिया। राहुल एंड रोहित डूइंग नथिंग अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, राहुल एंड रोहित डूइंग एनालिसिस अगेंस्ट वीक ओपोनेंट। सही बात है भाई, नेदरलैंड्स, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश तीनों को तो रन पड़ेंगे ओपनर से अपने, और रोहित भाई ने तो काम शुरू कर दिया बट केएल भाई भी थोड़ा पीछे रह गए। व्हाट अ नॉक बाय केएल राहुल, मिस सेंचुरी फ्रॉम 91 रन्स अरे यार। भाई आज तो यही मीम्स आने वाले, आज तो केएल भाई के पीछे पड़ने वाले भाई सब। आफ्टर द प्रेडिक्शन क्या है, आकाश चोपड़ा की प्रेडिक्शन है कि टॉप 3 रन स्कोरर डेविड वॉर्नर, जॉस बटलर, केएल राहुल और रन देंगे भाई। वैसे मतलब सही है भाई, क्यों केएल राहुल कहाँ, किसको लग रहा था भाई केएल राहुल रन मारने वाला है टूर्नामेंट में ज्यादा? मुझे तो नहीं लग रहा था भाई, मैंने तो पहले ही बोला था विराट कोहली रन मारेगा, मैंने तो बोला ही था। लेकिन नहीं भाई, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रन इस टूर्नामेंट में इंडिया के लिए यार केएल राहुल शायद बना सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है भाई बंदा थोड़ा बहुत फॉर्म में आ रहा है और जब केएल राहुल फॉर्म में आता है तुम्हें पता है वो किस लेवल का प्लेयर है और वो क्या रन बनाता है भाई। एडिटर कट कर देना, कट कट। गजब टू बी बाजा। पाकिस्तान चांसेस फॉर सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन, विन ऑल द रिमेनिंग मैचेस, इंडिया मस्ट वन ऑल देयर मैचेस, साउथ अफ्रीका टू लूज एटलीस्ट 2 मैचेस, जिम्बाब्वे टू लूज एटलीस्ट 2 मैचेस। अरे भाई हम पाकिस्तान के चांसेस पढ़ रहे हैं, आरसीबी के चांसेस पढ़ रहे हैं यार। आईपीएल की याद दिला दी, आरसीबी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि भाई ये हो जाता उसको इधर से जाना पड़ता, ये वाले प्लेयर्स को ये हो जाए, ये वाले प्लेयर्स यहां आ जाए तो भैया कुछ हो सकता है। और अभी तो पाकिस्तान के मैचेस बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के साथ है भाई, उनको हराना कोई आसान नहीं है। और नेदरलैंड्स भी अब तो मुश्किल लग रही है उनके लिए। 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप, इंडिया प्लेड वार्म वर्सेस न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आयरलैंड बीट इंग्लैंड, ठीक है। इंडिया वन द कप, ठीक है। 2022 वर्ल्ड कप, इंडिया प्लेड वार्म अप्स न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आयरलैंड बीट इंग्लैंड, ठीक है। इंडिया बीट नेदरलैंड, मैंने बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में भाई यही तो है, कनेक्शन देख रहे हो कहां गया मेरा ओरियो, कहां गया? फुल ऑन कनेक्शन है, आ रहा है कप। मेंस T20 है, विंसन ऑस्ट्रेलिया 3 जिम्बाब्वे 0 पाकिस्तान। बाप रे भाई, पाकिस्तान एक मैच नहीं जीता अभी तक ऑस्ट्रेलिया में, एक भी T20 नहीं जीता। इतनी खुशी। नामीबिया बीट श्रीलंका, वेस्ट इंडीज गेटिंग नॉक्ड आउट, आयरलैंड बीट इंग्लैंड, जिम्बाब्वे बीट पाकिस्तान, लेट्स गो भाई। यही तो था, ये वर्ल्ड कप बेस्ट वर्ल्ड कप हो रहा है भाई अभी तक का। पिछले वाला वर्ल्ड कप इतना क्लियर कट था भाई, पाकिस्तान एक भी मैच नहीं हारा, इंडिया बाहर हो गई थी, बड़ा क्लियर कट वर्ल्ड कप था। लेकिन इस वाले वर्ल्ड कप में मजा आ रहा है भाई, छोटी टीम भी बढ़िया स्कोर कर रही है और टीम्स को मैच हरा रही है। एंड परफॉर्म अगेंस्ट विनर्स सो दे कांट कॉल इन जिम्बाब्वे, ऑफ कोर्स बाबर भाई। ये केएल राहुल वाली स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि भैया जिसके अगेंस्ट सोचोगे मैं रन मारूंगा उसी के अगेंस्ट मैं रन नहीं मारूंगा। No one will point fingers, just pack your bag and get ready for Karachi Airport। अरे यार।
तो गेम बजाना पड़े। ओहो तने भाई का ट्वीट आया भाई, दिस इज मी, यस द गाय बिहाइंड द पोस्टर ऑफ होममेड टिफिन सर्विसेज। अरे हाँ, ये प्रपोजल हुआ था कल के मैच में कि एक लड़के ने लड़के को प्रमोट कर दिया था और लड़की ने यस भी बोल दिया था भाई। अब तने भाई अगर वो है ना जो होममेड टिफिन सर्विस वाले, मैं वो जो झंडा पकड़ खड़ा है, मैं भी वही हूँ भाई, वही बैठा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं भी हूँ। ठीक है यार, बुरा लगता है, अपने लिए क्या करे। अरे वीरूपा जी का ट्वीट आया भाई, पाकिस्तान आफ्टर 20 ओवर्स ऑफ जिम्बाब्वे बैटिंग, पाकिस्तान आफ्टर 20 ओवर्स ऑफ देयर बैटिंग। भाई ये कितना जिसको नहीं पता भाई, नकली मिस्टर बीन का From this to this, hi hi hi, भाई यही तो है bromance अपने सूरवीर का भाई, सूरवीर hashtag सूरवीर comments में डाल दो भाई, अपने सूरवीर की partnership देखने में मजा ही आता है भाई। बस carrying Zimbabwe, carrying India, carrying Pakistan, मजा आया। और अपनी इंडिया का मैच भी अब सीधा संडे को है, जो कि बहुत तगड़ा होने वाला है भाई साउथ अफ्रीका के साथ। और अगर वो जीत लिया तो सेमीज की टिकट कंफर्म है इंडिया के लिए, बट आसान नहीं होगा क्योंकि पर्थ की पिच और साउथ अफ्रीका के बॉलर्स काफी अच्छे फॉर्म में है, चाहे कैप्टन जैसे मर्जी फॉर्म में हो। रोहित भाई एक नंबर बता रहा हूँ लिखना, 8800322। सॉरी ये तो बबूमा की लास्ट 7 इनिंग्स का स्कोर है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, फिर से बाय बाय। I'm looking good, यार। शाहरुख खान।